What's up guys, welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे, बहुत लोग जो है डरते हैं गर्मियों में, the king of fruit which is mango, mango खाने से डरते हैं कि उनका fat loss नहीं होगा या fat gain हो जाएगा. So इसके बारे में बात करेंगे आज की watching, we'll be back. What's up guys, welcome back to my channel FitMuscleTV. मेरा नाम है गौरव. फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे. बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स आर हेल्दी. जैसे कि अगर एक रिसर्च भी हुई थी उसमें कहा गया था कि अगर आप फ्रूट्स खाते तो आपका वेट लॉस होगा. एंड उसमें लेकिन रिसर्च में एक प्रॉब्लम है. वो रिसर्च हुई थी अमेरिकन पीपल के ऊपर जो कि बहुत ही जंक फूड खाते थे, कैलोरी डेंस फूड खाते थे, शुगरी डेंस फूड खाते थे. तो उनको बोला गया था अगर आप अपने मील को रिप्लेस करके फ्रूट्स खाएंगे, जो कि फ्रूट्स आर नॉट दैट कैलोरी डेंस एज कम्पेयर टू वॉट You eat like say pizza, burgers and cheesecake. तो उसके comparison में ये fruits are healthy. But today we are going to talk about you and me, जो हम लोग Indian subcontinent में रहते हैं, जिस तरीके की हमारी diet है घर की, जो हमारे fitness goals है, क्या हमारे लिए भी fruits होते हैं healthy हैं? Mangoes, the king of fruits. Mango का मौसम है, आजकल गर्मियाँ चल रही, everybody loves mangoes, including me, I'm sure. बहुत कम लोग होंगे जिनको मैंगोज पसंद नहीं होंगे. जो कहते हैं मैंगोज पसंद नहीं होंगे वो डाइट का अपना ख्याल रखते हैं, फिगर का ख्याल रखते हैं, इसीलिए कहते हैं मैंगोज इतने पसंद नहीं है. मैंगोज आर कोलेस्ट्रॉल फ्री, मैंगोज आर फैट फ्री, दे आर हाई इन फोलेट, विटामिन ए, B6 एंड विटामिन सी, और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है मैंगोज में. सो जो हाई फाइबर कॉन्टेंट है मैंगोज का, वो क्या करता है, दैट मेक्स यू फील फुल. तो आप थोड़ा सा खाएंगे आपका पेट भर जाएगा. दैट इज़ वन गुड थिंग अबाउट मैंगोज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको मैंगोज खाने चाहिए कि नहीं. थ्री मीडियम साइज मैंगोज. मीडियम साइज मैंगोज मतलब इतना मैंगो जो मीडियम साइज है, उसमें होती है तकरीबन 350 से 400 कैलोरीज, विच इज़ अराउंड योर वन मील. हम जो है दिक्कत क्या आती है, हम खाना खाते हैं पूरा पेट भर के खाना खाएंगे, जब तक जितना नॉर्मल खाना खाते हैं उतना नॉर्मल खाना खाते हैं, उसके बाद वी ईट वन मैंगो. So this is the problem. If you want to eat fruits ज़्यादा quantity में, so you should replace your food. जैसे आपने एक meal skip कर दिया अगर, so you can have three mangoes medium size in place of that meal. लेकिन अगर आप जैसे इंडिया में, हमारा क्या होता है, हमारी दो stomach होती है, एक खाने वाली stomach और एक sweets वाली stomach. हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि हम खाना थोड़ा कम खाएंगे क्योंकि हमें sweets खानी है. कभी कभी मगर मान लीजिए हम खाना पूरा भर के खाएंगे, जब हमसे खाना और नहीं खाया जाएगा तब हम उठेंगे जाके स्वीट्स खाएंगे. सो ये मत करिए. अगर आपको एक मैंगो भी खाना है, सो हैव वन चपाती लेस और हैव समथिंग, थोड़ा अपना खाना उस प्रोपोर्शन में कम कर दीजिए. आपकी 100, 125, 125 कैलोरीज कम खाइए आप, उसको फिर आप अगर आप मैंगो खाएंगे, सो इट इज़ एक्चुअली हेल्दी फॉर यू, बिकॉज उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं और टेस्ट, और आपका स्वीट टूथ भी वो सेटिस्फाई कर देगा. सो द करेक्ट वे इज़ ईट लेस, और इफ़ यू वांट ईट जस्ट मैंगोज, स्किप अ मील. And you can have three medium sized good mangoes, juicy mangoes, beat the heat. So what is the best time to have mangoes? Mangoes is the energy food, usme carbohydrates hai because wo meetha hai. So aap carbohydrates kab khate hai? Jab aapko zarurat ho unki. So same with mangoes. Mangoes the best time is when you need energy, when you're eating the rest of your carbs, replace those carbs aur uski jagah aap mango khaiye. इट्स द बेस्ट वे टू हैव मैंगोज. मैंगोज का आप रिप्लेस कर सकते हैं शुगर क्रेविंग से. बहुत लोगों को खाने के बाद शुगर क्रेविंग होती है. इफ़ यू ईट मैंगोज यू कैन किल दैट शुगर क्रेविंग, और अपनी डाइट को आप चेक में रख सकते हैं, बिकॉज मैंगोज आर हेल्दी. दे आर स्वीट, डोंट टेक मी रॉन्ग, दे आर स्वीट, दे विल गिव यू कैलोरीज, बट दे आर नॉट एज अनहेल्दी एज अ पीस ऑफ केक और अ पीस ऑफ चॉकलेट चीज केक. अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि इस बार हमने भाई दबा के मैंगोज खाए गर्मियों में, दबा के अब हमको गर्मी, हमको दाने हो गए. सो दाने का मेन पर्पस जो है, मैंने एक वीडियो भी किया हुआ बहुत पहले, मतलब द्वापर युग में वीडियो किया था मैंने वो, तो उसमें क्या मैंने बताया था कि एंड्रोजन से वो डिपेंड करता है पिंपल्स होंगे नहीं कि नहीं, क्योंकि एंड्रोजेंस आपके सिबम को रेगुलेट करते हैं. सिबम ऊपर स्किन पे आ जाता है और वो बैक्टीरिया का ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है. बट अगर आप मैंगोज खाते हैं तो उसमें दे डज नॉट इफेक्ट योर एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस वो छूता भी नहीं है वो. बट क्या है, मैंगोज शुगरी होते हैं, सो आपसे आपका इंसुलिन स्पाइक होता है. तो इंसुलिन भी एक कारण माना गया है रिसेंट स्टडीज में कि आपका वो पिंपल्स ला सकता है. सो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि आप सेंसिटिव हैं इंसुलिन के, सेंसिटिव हैं कार्ब्स के, सॉरी, सेन आपको एक लिमिट रखनी पड़ेगी अपने मैंगोज इनटेक पे. अच्छा, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देना यहाँ चाहता हूँ यहाँ पे, कि लोगों की ऐसी धारणा है कि जब हम चीनी खाएंगे, मीठा खाएंगे तो उससे हम मोटे हो जाएंगे.
लेकिन फ्रूट्स हैं जितना मर्जी खा लें फ्रूट्स से हम मोटे नहीं होंगे, ये बहुत ही गलत धारणा है। चीनी की जो कैलोरीज हैं और फ्रूट्स की जो कैलोरीज हैं, देखिए मीठे तो दोनों है ना, फ्रूट्स में क्या है, पर इट इज नेचुरल शुगर, इट इज नॉट बैड फॉर योर सिस्टम, इट इज नॉट बैड फॉर योर सिस्टम, बिकॉज जो शुगर होती है टेबल शुगर दैट इज प्रोसेस्ड, उसमें केमिकल्स ऐड करे जाते हैं, उसका रंग निखारा जाता है, सो दैट बिकम्स अनहेल्दी फॉर योर सिस्टम। बट कैलोरीज इसमें भी हैं, 100 कैलोरीज इसकी इज इक्वल टू 100 कैलोरीज इसकी, इसको खा के भी अगर आप मोटे हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो। कैलोरी इनटेक इज मोर आउटपुट इज लेस, तो फ्रूट्स खा के भी मोटे होंगे, गलत धारणा बिल्कुल मत रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो और इन्जॉय करिए मैंगोज, आई लव मैंगोज, आई श्योर एवरीबडी लव्स मैंगोज। एंड मैं क्या करता हूँ, मेरा सीक्रेट वीडियो इज मॉर्निंग राइट, मैं जस्ट उठाऊँ आई एम गोना ऐड वन मैंगो टू माई प्रोटीन शेक एंड एनहांस द फ्लेवर। देखते रहिए फिट मसल टीवी, बहुत जल्द आएंगे विद अनदर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें।